परफेक्ट वनीला आइसक्रीम बनाने का आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। गर्मियों के मौसम में अब आप आइसक्रीम घर में आसानी से बना सकते हैं। आइसक्रीम जो है वो चंद चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। एक कप जितनी आपको ठंडी क्रीम लेनी होगी। इसको आप बीटर के साथ बीट कर दें। 2 से 3 मिनट तक लगातार इसको बीट करना होगा। जब क्रीम इस तरह से फ्लफी हो जाए तब आप हीटर को बंद कर दें। अगर आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसे बीट कर सकते हैं। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें वनीला एसेंस डाल दूंगी। फिर से इसे बीट करूंगी 2 मिनट के लिए। यह आइसक्रीम मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, बिल्कुल 1 पिंच जितना। येलो फूड कलर डालने से ये होगा कि इसका कलर जो है वनीला की तरह हो जाएगा। जैसे हम बाहर से आइसक्रीम लेते हैं वनीला, बिल्कुल इसी तरह ये कलर हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा आप इसमें येलो फूड कलर डालें। अब मैंने इसको बीट करना बंद कर दिया है। 3 से 4 टेबल स्पून जितना मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। अब इसको स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से आपको मिक्स करना होगा ताकि जो इसकी क्रीम है वो बिल्कुल फ्लफी रहे। आखिर में आपको कंडेंस मिल्क इसमें इस्तेमाल करना होगा। इससे आपकी जो आइसक्रीम है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगी। स्पैचुला की मदद से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब इसे मिक्स करने के बाद इसको आपको एयर टाइट बंद करना होगा। तो इसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया है, इसमें मैं इसे बंद कर दूंगी। क्रीम वाली आइसक्रीम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। स्पैचुला की मदद से इसे आप सेट कर दें। इसे बनाने के लिए कुछ स्टेप होते हैं। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से क्रीम को सेट करने के बाद इसे आप बंद कर दें और 4 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रख दें। 4 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखने के बाद फिर से आप इसे निकाल दें। अब आपको ये करना होगा कि आप एक फोग लें, फोग की मदद से इसे मिक्स कर दें। इससे यह होगा कि जो आपकी आइसक्रीम है वो क्रीमी बनकर तैयार होगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके लम्स को आपको ख़त्म करना होगा। जब आप फोग की मदद से इस तरह आइसक्रीम को मिक्स करेंगे तब आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम का लुक कितना परफेक्ट हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक आपको आइसक्रीम को इस तरह मिक्स करना होगा। जब आप फ्रिज में 4 घंटे के लिए आइसक्रीम को रखेंगे तो वो थोड़ी सी जम जाती है और वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। अब स्पैचुला की मदद से इसे सेट करने के बाद इसके ऊपर आप एक शॉपर रख दें। शॉपर को आपको इसे टच करके रखना होगा। अब इसे फिर से आप कवर कर दें। अब इसे फ्रिज में आप रख दें 12 घंटे के लिए। दूसरे दिन मैंने इसे फिर से बाहर निकाल दिया है। परफेक्ट वनीला आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। आइसक्रीम का लुक आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट और अच्छी तरीके से यह बनी है। जिन लोगों को आइसक्रीम पसंद है और वो घर में आते ही आइसक्रीम पिघल जाती है तो आप आसानी से घर में ही आइसक्रीम बना सकते हैं। परफेक्ट और मज़ेदार आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अगर आपको वनीला आइसक्रीम बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की और ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आइसक्रीम जो है वो क्रीमी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आइसक्रीम के ऊपर आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लगा दें। बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट लगाने से इसका लुक अच्छा आएगा और आपको खाने में भी अच्छी लगेगी। आइसक्रीम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। परफेक्ट आप घर में इस तरह की आइसक्रीम बना सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम बनाने की मैंने आपके साथ आसान रेसिपी शेयर की है। इसके ऊपर मैं चेरी रख दूँगी, जो अक्सर हम केक के ऊपर रखते हैं। इससे बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में और इसका लुक भी अच्छा आएगा। अगर आपको वनीला आइसक्रीम बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे पेज को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की ज़्यादा मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।